नीर निधि जलधि सिंधु वारीश निधि कंपति उद्धि पयोधी नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा है प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए हे नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे और वरा और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षिपो का सहार किया जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके आपने देवता राक्षस तथा चरचर सभी को जीत लिया हे दशमुख संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए हे स्वामी वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और सहार करने वाले हैं हे नाथ आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं वहीं कोसलाधी श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कापते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा है नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा है प्रिय सुन तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथाकाल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा मंत्री कहने लगे हे राक्षसों के नाथ हे प्रभु सुनिए आप बार बार क्या पूछते हैं कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए भय की बात ही क्या है मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा है प्रभु नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्र ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं हे hey, नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं स्मरण किया करते हैं उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया इन मंत्रियों ने स्वामी आप को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुहक पाना होगा जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत आ उतरा है हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं नीति सुनिए उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्रीराम जी से प्रीति मेल कर लीजिए यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मारकाट कीजिए हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है हे पुत्र तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती आप पर कैसे असर नहीं करती जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल को चला लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था वहाँ नाचगान का अखाड़ा जमता था रावण उस महल में जाकर बैठ गया किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे ताल करताल पखावज मृदंग और बीणा बज रहे हैं नृत्य में प्रवीण अपसराए नाच रही हैं वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोगविलास करता रहता है यद्यपि श्रीराम जी श्रीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है